फिर एक बार वेकोली का चंद्रपुर क्षेत्र सुर्खियों में। वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के भटालिक ओपन कास्ट माइन में चल रहे सर्वे ऑफ डंपर को लेकर इंटक के महामंत्री के सिंह ने सवाल उठाए। फिर एक बार वेकोली का चंद्रपुर क्षेत्र सुर्खियों में। वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भटाड़ी ओपन कास्ट माइन में हो रही अनियमितता को लेकर इंटक के वेकोली महामंत्री के सिंह ने बताया कि विगत कुछ दिनों से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वेकोली अधिकारी और ठेका मजदूर सर्वे ऑफ डंपर को चला रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि अधिकारी द्वारा किए जा रहे सुरक्षा से खिलवाड़ एवं काम के नाम पर किए जाने वाला भ्रष्टाचार संदर्भ में कई बार पत्राचार संघ की ओर से हुआ है, पर किसी भी मुद्दों पर चाहे कामगारों की समस्या हो, कार्यस्थल पर सुरक्षा हो, कामगार के कल्याण संबंधी मुद्दे हो, चल रही अनियमितताएं, भेदभाव हो या खुलेआम चल रहा भ्रष्टाचार हो, उन पर रोक तो नहीं लग रही पर उसमें बढ़ोतरी लगातार शुरू है। इस कड़ी में एक नया उदाहरण देखने को मिला। भटाड़ी खदान में पिछले 4 दिनों से वेकोली का डोजर नंबर 13214 जो सर्वे ऑफ है उसे GNR कंपनी मतलब प्राइवेट ठेकेदार का व्यक्ति प्राइवेट सुपरवाइजर के मार्गदर्शन पर खान प्रबंधक के निर्देश पर कार्य कर रहा है। और तो और जहां पर रोड बन रहा है जिस पर डंपर या टिप्पर चलेंगे वह पूर्ण रूप से असुरक्षित है क्योंकि पूरी दीवार सीधी खड़ी है और कभी भी बड़ी दुर्घटना आमंत्रण देने को तैयार है। ठेकेदार का लेबर सर्वे ऑफ डोजर वो भी वेकोली का बगैर कंपनी के अधिकारी की उपस्थिति में काम हो रहा है। क्या यह सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? ऐसे सवाल उपस्थित करते हुए इंटक के महामंत्री के सिंह ने कहा कि पूरे वेकोली में अधिकारियों की अनियमितताएं उनके द्वारा किए जा रहे सोशल और भ्रष्टाचार की कहानी बहुत बड़ी हो गई है। ठेकेदारी मजदूरों का शोषण करना, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना और उस बहाने अपनी जेब भरना, यह अधिकारियों का एक प्रिय कार्य हो गया है जिसका संगठन विरोध कर रहा है और मैं भी इसका विरोध करता हूँ। इस प्रकार की धांधली यहाँ हर एरिया में हो रही है। इस धांधली को रोकना चाहिए और उन अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाना चाहिए जो इस प्रकार का कार्य करवाते हैं। पूरे वेकोली में अधिकारियों का अनियमितताएं, उनके द्वारा किए जा रहे शोषण और भ्रष्टाचार की कहानी बहुत बड़ी हो गई है। ठेकेदारी मजदूरों को का शोषण करना, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना और उस बहाने अपनी जेब भरना, ये अधिकारियों का एक प्रिय कार्य हो गया है। संगठन बहुत विरोध कर रही है, मैं तो बहुत विरोध करता हूँ। नई कड़ी में भटाड़ी खदान में मैं कल ही गया था और मैंने ये पाया कि वहाँ पे WCL का डोजर, वो भी वो डोजर जो सर्वे ऑफ हो गया है जिसको चलाने का अधिकार नहीं है, वो डोजर ठेकेदारी मजदूर ठेकेदार का GNR कंपनी का ड्राइवर उसका सुपरवाइजर कंपनी का डीजल डाल के उस गाड़ी को पे काम कर रहा है पिछले 4 दिनों से। फायदा ठेकेदार का हो रहा है, रिस्क कामगार की है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि वणी एरिया में, बलारपुर एरिया में, माजरी एरिया में, ऐसे बहुत एरियाओं में ओपन कास्ट में ठेकेदारी मजदूर का दुर्घटना हुआ है। पावर हाउस में आप लोग पेपर में आप कवर भी कर रहे हैं और उनको मुआवजा नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है और ठेकेदार ये कहता है कि मेरा आदमी नहीं है और कंपनी कहती है कि हमने उसको अलाउ नहीं किया था। ये यही सब नेक्सेस है कि ठेकेदार और अधिकारी मिलके कामगार का शोषण करते हैं। भटाड़ी में इसके पहले भी मैंने खुद देखा था कि कंपनी का PC कंपनी का टिप्पर, कंपनी के ऑपरेटर WCL का परमानेंट मजदूर जिस काम में का जाता है वहाँ का कोयला निकाल के उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। इस प्रकार की धांधली यहाँ हर एरिया में हो रही है। मैं चंदपुर में रहता हूँ तो मुझे खबर जल्दी मिलती है और मैं उस खबर को कॉन्सेंट्रेट भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे आप लोगों ने जो पत्रकार स्तंभ है हमारा, इसको हाईलाइट करना चाहिए और इस धांधली को रोकना चाहिए और उन अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाना चाहिए जो इस प्रकार का कार्य करवाते हैं।